अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड पेरेंट्स, आपको आज इस हवाले से बताना था कि जो समर पैक्स हमने दिए हैं इसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो वो किस तरह जो है उसको आपने हल करना है। सबसे पहले ये मेरे सामने क्लास 2 का पड़ा है, पैक 2। तो इसके आप देखें जो एंड पे ना उन्होंने QR कोड दिए हुए हैं। अगर आपके मोबाइल में QR कोड स्कैनर है तो उससे आप इसको स्कैन कर सकते हैं। ये जिस तरह ये अब ये सॉरी ऑलरेडी स्कैन हुआ हुआ है इसमें ना, मैं इसको दोबारा से बैक करता हूँ, आपको स्कैन करके बताता हूँ। ये अब सपोज़ ये मैंने पहला पहला करना है तो ये उसने स्कैन कर लिया। तो स्कैन करने के बाद ये हम इसके सोर्स डॉक्यूमेंट पे भी जा सकते हैं या ऊपर जो लिखा हुआ वेबसाइट है सोर्स मिल वहाँ पर क्लिक कर लेते हैं। ये उसके बाद ये उसकी ना वेबसाइट पर चला गया। एक तो ये भी ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन ये है कि आप इस बुक की ना बैक साइड पे बुक लिखी इसकी वेबसाइट लिखी हुई है www.bookline.pk, आप वो टाइप करें ब्राउज़र पे तो ये इसकी जो है ना वेबसाइट खुल जाएगी। अब ये इसने ओप्स दैट पेज कांट बी फाउंड एरर शो किया, तो आप वेबसाइट पे चला गया, आप इसका होम पेज ओपन कर लें ये इस तरह। अब आप इसमें जाएँ, इसमें ना 3 आगे आ रहे हैं आइकॉन्स, एक है टेक्स्ट बुक्स का, दूसरा है प्रैक्टिस बुक्स का और तीसरा है जर्नल बुक्स का। ये जो समर पैक्स हैं ये प्रैक्टिस बुक्स में शामिल हैं, आप प्रैक्टिस बुक्स पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आगे फिर 3 आइकॉन्स आए हैं, प्ले ग्रो एंड लर्न, आगे यंग कैलीग्राफर नन्हे खताती। आपने ना ये प्ले ग्रो एंड लर्न ये इसका नाम है, इसको क्लिक करना है, इसको क्लिक किया। उसके बाद आगे आप जाएंगे तो इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो नीचे जो तमाम पैक्स आ गए हैं, तो जिस तरह मतलब इस पे ये इनकी प्राइसेस आ रही हैं 675, ये बच्चों को जो है ना डिस्काउंट प्राइस पे दिया गया है 600 का, तो यही वाले हैं। तो अब इसमें से आप सेलेक्ट कर लें कि आपके बच्चे का कौन सा है। जिस तरह पैक 2 है तो ये आ रहा है पैक 2, इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा, ये पैक 2 ओपन हो गया। अब इसके बाद ये पैक 2 के नीचे जो आ रहे हैं स्क्रॉल डाउन करें तो 2 चीज़ें आ रही हैं, एक की बुक्स आ रही हैं और दूसरा आ रहा है असेसमेंट। असेसमेंट है कि इस पैक से रिलेटेड अगर आप बच्चे की कोई असेसमेंट करना चाहते हैं तो वो कैसे लेनी है। दूसरा की बुक्स है, आपको इस वक्त की बुक्स रिक्वायर्ड है कि इसको सॉल्व कैसे करना है, आप की बुक्स पे क्लिक करें। आगे जो ऑप्शन खुला है सेलेक्ट बुक और उसके बाद है सबमिट। अब यह है कि आप जो स्क्रोल बार बना हुआ है सेलेक्ट बुक के नीचे इसको क्लिक करें, एरो का निशान जो है ये हो गया, इसको क्लिक किया आपने। इसको क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे मुख्तलिफ जो है ना जो समर पैक्स हैं उसकी क्लासेस आ रही हैं, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4। अभी मेरे पास स्टेप 2 पड़ा है तो ये मैंने स्टेप 2 को जो है ना टिक कर दिया, ये स्टेप 2 भी टिक कर दिया। अब मैं इसको सबमिट का बटन प्रेस करूँगा, ये सबमिट किया तो ये ना नीचे हाईलाइट ये चेंज हो गया है नीचे। अब ये जो आ रहा है नीचे लिखा आ रहा है कि की बुक्स फॉर प्ले ग्रो एंड लर्न स्टेप 2, ये चेक कर लें कि आप सबमिट करने के बाद नीचे जो आपको रिक्वायर्ड है वो चेंज हो गया है। चेंज होने के बाद अब नीचे आ रहे हैं पेजेस और आगे डाउनलोड का ऑप्शन लिखा हुआ है। सपोज़ आपने इस बुक का कोई भी पेज चेक करना है जहाँ पर आपको मुश्किल आ रही है या नहीं समझ आ रही है कैसे सॉल्व करना है। सपोज़ व्हाट्सएप मैं अभी कहता हूँ कि मुझे पेज नंबर 6 जो है इसका ये चेक करना है। अभी मैं पेज 6 इसको स्क्रॉल डाउन करके ये है इसको डाउनलोड का ऑप्शन क्लिक करूँगा, ये एक फाइल खुल गई है। ये फाइल खुल गई पेज नंबर 6 का, ग्रामर का पेज था, ये सॉल्व्ड पेज मौजूद है कि किस तरह आपने सॉल्व करना है। ये आपको सिर्फ यही है कि आप ओपन करके काइंडली ये बच्चों को ना दीजिएगा जिसने ये सॉल्व करवाना है, अगर उसको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो इसको की बुक को यूज़ करे कि बच्चों को बता दिया जाए कैसे करवाना है, ताकि एक एफ़र्ट की गई है कि बच्चों के जो सिलेबस में पढ़ाया गया उससे हट के थोड़ा सा चेंज उनको असेसमेंट दी गई है ताकि वो एक बेहतर तरीके से तैयारी कर सकें। तो लिहाजा इसको कॉपी पेस्ट ना करें, आप बच्चों को खुद चेक करके बता सकते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना है ताकि बच्चे खुद से ये करें। कोई मसला नहीं, अगर बच्चे गलत भी कर लेते हैं तो बच्चे गलतियां करते ही हैं, बच्चे गलतियों से ही सीखते हैं। तो आपकी ये प्योरली जो मैं ऑडियो नोट इशू कर रहा हूँ या ये वीडियो इशू कर रहा हूँ ये प्योरली पेरेंट्स के लिए है, या वो जिसने गाइड करना या पढ़ाना बच्चे को उसके लिए है, ये बिल्कुल बच्चे के कॉपी करने के लिए नहीं है।